नेशनल इंटीग्रेशन के इश्यूज क्या है, अगर उसके ऊपर मैं कुछ एज हिस्टोरियन डॉक्टर सोनिया ने कहा, चार पांच पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। सबसे बड़ा मसला जो है नेशनल इंटीग्रेशन के हवाले से वो हमारे करिकुलम में लैंग्वेज का रोल है। लिंग्विस्टिक, ये डॉक्टर शाह बैठे हैं मेरी बात को सेकेंड करेंगे, जो लैंग्वेज के रीजनल डिस्पैरिटीज हैं वो अभी तक हम एड्रेस नहीं कर सकते। फ्रॉम डे वन टू ऑनवर्ड 47 में हम ये नहीं तय कर पाए, चलिए एजुकेशन पॉलिसी तो साइड पर रखते थे, हम आईन के अंदर ये नहीं तय कर पाए कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो क्या हो। 9 साल हमें लगे और पहला आइन बनाने में, और उस अरसे में 5 साल, पहले 5 साल तो हमने ये चीज़ तय करने में लगा दी कि उर्दू होगी, अंग्रेजी होगी, साथ बंगाली होगी या भी और आज भी हम उन्हीं इश्यूज पर खड़े हैं कि क्या सिर्फ नेशनल करिकुलम सिर्फ उर्दू में होगा, अंग्रेजी में होगा या रीजनल और प्रोविंशियल लैंग्वेज उसका हिस्सा होगी। तो ये जो एक साइन ऑफ इंटरोगेशन है स्टिल इस सवाल का जवाब मांग रहा है। इसी तरह जो रिलीजियस डिवाइड है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमने अपनी जिसे हम सो कॉल्ड माइनॉरिटीज कहते हैं, लेकिन एज पार्लियामेंट्री स्टूडेंट मैं कहता हूँ ये सिटीजन्स हैं इस वेलफेयर स्टेट, अगर ये वेलफेयर है तो इस वेलफेयर स्टेट में ये एक शहरी है और शहरी के हकूक यकसा होते हैं, उसमें मजहब रास्ते में रुकावट नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप पॉलिसीज बनाते हैं तो फिर आप इस आबादी के एक बड़े हिस्से को फोकस करते हैं, जो हमारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं आप उनके इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करते। नेशनल इंटीग्रेशन का हिस्सा कैसे बनेंगे जब वो ऑन इन करेंगे आप उनको और वो अपनी इस पॉलिसी को ऑन नहीं करेंगे, तो ये जो डिसऑनरशिप है ये जब तक रहेगी नेशनल इंटीग्रेशन का जो सवाल है या ख्वाब है वो शर्मिंदा तबीर नहीं हो सकेगा। इसी तरह हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शंस बहुत ज़्यादा हैं। हमने अपने करिकुलम के अंदर ये जो सवाल उठाया जाता है कि मुतालिया पाकिस्तान में झूठ भरा हुआ है, और या मैं मजाक में भी वो कहते हैं कि जी अगर ये बात आपने ना की तो फिर हम असल मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना शुरू कर देंगे, तो वो असल मुतालिया पाकिस्तान है। देखें ये डिबेट ओपन होनी चाहिए, कम अज कम यूनिवर्सिटीज लेवल पर ओपन होनी चाहिए कि हमारे इशूज़ क्या हैं, इस धरती की जो ऑनरशिप है उसको ऑन करना चाहिए। हमारे हीरोज क्या यहाँ के रहने वाले हैं या जो इन्वेडर्स थे वो हमारे हीरो हैं, या बहुत सारी चीज़ें हमने रिलीजियस इश्यूज के अंदर आपने डिसऑन कर दी। दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब हमारे पास है, दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब हमारे पास है जिसे हम डिसिबलाइजेशन कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने उसकी बहुत सारी चीज़ें डिसऑन कर दी। ये तो जी वो गैर मुस्लिमों की, उस वक्त तो गैर मुस्लिम मुस्लिम का कंसेप्ट ही नहीं था, उस वक्त तो ना ईसाइत थी ना मुसलमान थे, ये तो कबल मसीह का जिक्र है, लेकिन हमने इस इतनी इम्पॉर्टेंट प्राइड को हमने डिसऑन किया हुआ है। और आप देखेंगे जिनके पास नहीं है वो इसको ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जेंडर डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है। ये डॉक्टर साहब ने जो सवाल उठाया कि बच्चियां जो हैं वो बहुत सारे ड्रॉप आउट रेट, पेरेंट्स नहीं इस तरफ आते, और आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी उर्दू यूनिवर्सिटी में बैठ कर बींग चेयरमैन हाल काउंसिल में इसे फेस कर रहा हूँ कि बच्चों के पेरेंट्स आते हैं कहते हैं अगर इनको हॉस्टल ना मिला तो हम इनको यहाँ पढ़ाएंगे, हम इनको ले जाएंगे। तो ये जो जेंडर डिस्पैरिटीज है इन इश्यूज को भी एड्रेस करना है ताकि नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ हम चल सकें। करिकुलम का रेलिवेंस जो है, बंद कमरों में बैठकर पॉलिसीज बना दी जाती हैं, स्टेक होल्डर्स की जो ओपिनियन है वो पूरी तरह से नहीं जाती। अभी डॉक्टर सोनिया मेरा तारा करवा रही थी और डॉक्टर इजाम कह रहे थे फेडरेशन की बात फॉसा की, देखिए प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन, जब हम ये हायर एजुकेशन कमीशन चाहे वो पंजाब का हो चाहे वो फेडरल का हो या सेक्रेटरीट की बात हो, हमारा सबसे बड़ा गिला ये है कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं इस सिस्टम का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर टीचर और स्टूडेंट है, आप जब उनकी राय नहीं लेंगे तो जो मर्जी पॉलिसी बना लें, क्योंकि आपने जो पॉलिसी बनानी है उसको एग्जीक्यूट टीचर ने करना है, स्टूडेंट ने मिलकर करना है। जब आप उनका फीडबैक नहीं लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है या और भी जो वो पूरा नहीं हो सकेगा। मार्जिनलाइज्ड पीपल की मैंने बात कर ली है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। ये जो दोनों हमारे सीनियर साथी यहाँ पर बैठे हैं और हमारे वाइस चांसलर साहब यहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उसको रन कर रहे हैं, ये आपको बेहतर बता सकते हैं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की एक छोटे छोटे इशू के ऊपर कितनी सियासी मुदाखलत होती है। ये 100 का जो कंसेप्ट है कि यूनिवर्सिटीज ऑटोनमस हैं और यूनिवर्सिटी जो है वो अपने फैसले खुद करती हैं, फैसला सर्च खुद करती हैं, लेकिन उनको करने तो गए फैसले,
है और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस भी साथ शामिल कर लें। उनकी ये ख्वाहिश है कि जिस तरह हमने स्कूलों को बर्बाद किया, कॉलेजेस को गड़ा गड़ किया, अब यूनिवर्सिटी की तरफ वो आ गए। कल्चरल डाइवर्सिटी देखें जो ओवरलुक हो जाती है चीजें, कम से कम यूनिवर्सिटी अभी हमारे यहाँ पर हिंदू स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, यहाँ पर सिख स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, क्रिश्चियन भी पढ़ते हैं। जब कायद आजम ने पहली अपनी गाइडिंग स्पीच की थी 47 में, 11 अगस्त 1947 में, उसका जो पंच लाइन थी वो ये थी कि नाउ यू आर फ्री, गो टू योर वर्शिप प्लेसेस, आप मुसलमान हैं तो मस्जिदों में जाएं, अगर और किसी मसले से ताल्लुक रखते हैं तो अपने रिस्पेक्टिव रिलीजन की जो वर्शिप प्लेसेस है वहां पर जाएं। यहां पर अगर कोई हिंदू होली मनाना चाहता है तो दूसरा ग्रुप कंडे लेकर आ जाता है। नहीं, आपका भी उतना ही हक है इस यूनिवर्सिटी पर, इस मुल्क पर, जितना के या उनका भी उतना ही होना चाहिए जितना आपका है। तो ये जो एक्सक्लूशन है कल्चरल डाइवर्सिटी की, जब तक इस इशू को हम एड्रेस नहीं करेंगे तो नेशनल इंटीग्रेशन कैसे पूरी होगी। अच्छा, एक बात जो मैं हमेशा सर कहता रहा हूँ अपनी जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटीज में, कि टीचर्स की ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट नहीं है पाकिस्तान में। आप ब्यूरोक्रेट्स को तो पहले ट्रेन करते हैं, टीचर्स जिसने इस कॉम को जनरेट करना है, एजुकेट करना है, उसको आप बिल्कुल रॉ हैंड, आपने डिग्री ली, सिलेक्ट किया और डायरेक्ट क्लासरूम में भेज दिया, उसको ये अंदाजा ही मतलब कैसे फेस करना। और वो फिर एक अगर गलत रिक्रूटमेंट हो जाती है या वो विदाउट ट्रेनिंग हो जाती है तो फिर अगले 35 साल उसको मल्टीप्लाई करता है, कितनी जनरेशन वो जो है वो उसका वो आगे चलती हूँ। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ करिकुलम का भी इशूज है हमारे पास, उसके अंदर आपको कई किस्म के सिस्टम्स मिलेंगे एक ही शहर में, फीस स्ट्रक्चर कई किस्म के मिलेंगे आपको, तो वो आपस में अगर आप उनको बिठा दें पांच लोगों को पांच सिस्टम से निकाल कर, वो मुकाबला नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते कि ये नेशनल इंटीग्रेशन कैसे होगी, हम आगे कैसे पैदा होगी, वो एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर सकते। फिर तालीम तक सबका हक तो हमने आईन में तो लिख दिया है, एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल 25A जो हमारी आईनी कॉन्स्टिट्यूशन क्लास है उसका रेफरेंस किया, लेकिन क्या अमली तौर पर ऐसा हो रहा है? हम डिप्राइव करते जा रहे हैं। अब देखें कि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी, इवन पूरे पाकिस्तान की जितनी भी जामियात हैं उसमें जो यूनिवर्सिटी में आने की एज के लोग हैं वो सिर्फ 9% है, ठीक है, बाकी 91% जो लोग हैं इस एज के वो आउट ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं। तो जब एक नौजवान यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचेगा जो कि एक हब होता है इंटीग्रेशन का, ये हॉस्टल्स के अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के डाइवर्सिटी के साथ रूम्स अलॉट किए जाते हैं, उसके पीछे एक फिलॉसफी ये भी थी कि मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लोग बैठकर, जब ये कैंपस बना था 1960s के अंदर, इसके जो मेन कॉरिडोर आप देखें और डिपार्टमेंट्स की जो इंटीग्रेशन थी उसके पीछे भी यही फिलॉसफी थी कि मुख्तलिफ लोगों के लोग आपस में मिलजुल कर बैठें और एक दूसरे से बात। अब ये हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स बन गए मुख्तलिफ जगहों पर, जिसका भी कि आप वहाँ पर जाकर उसके अपना डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके ऊपर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब ने पिछले दिनों एक सेमिनार भी वाइस चांसलर्स की एक टॉक भी अरेंज की थी और वो था सिविक एजुकेशन। जर्मनी जैसा बड़ा मुल्क है, अभी डॉक्टर जिगे साहब आते हैं, उन्होंने जर्मनी से तालीम हासिल की है, वो चीज़ को शायद बेहतर समझ सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी ने अपनी 16 रियासतों में 300 इदारे कायम किए जो सिर्फ सिविक एजुकेशन को फोकस करते थे, और उन्होंने देखा कि हमारी कौम को इस वक्त इस बात की जरूरत है कि हम जो एक अच्छे शहरी के लिए तालीम है वो क्या हो सकती है, अच्छा शहरी कैसे बन सकता है। हम स्टीरियोटाइप एजुकेशन प्रोवाइड करते जा रहे हैं और उसके ये देखे बगैर कि वो प्रोडक्ट हम जनरेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके मार्केट में या सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमें रिव्यू करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज का मॉनिटरिंग करनी चाहिए। और जब मैं मॉनिटरिंग की बात करता हूँ तो एक पिछले जो सेमिनार मैंने अटेंड किया वो पोस्ट लेजिस्लेटिव असेसमेंट थी। हमारे यहाँ तो प्री लेजिस्लेटिव असेसमेंट नहीं होती, पोस्ट लेजिस्लेटिव असेसमेंट क्या होती है। बर्तानिया जैसा सबसे पुराना जिसका डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ उसने क्वालिफिकेशन एंड करिकुलम डेवलपमेंट एजेंसी कायम की हुई है QCA, जो ये देखती रहती है कि जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन उसका क्या फीडबैक आता है, और फिर उस फीडबैक की रोशनी और इस QC को
लुक आफ्टर कौन करता है? ये उनकी पार्लियामेंट करती है, उनकी जो हाउस ऑफ कॉमन है वो इसको लुक आफ्टर करती है और वो फिर रिव्यू करती है। अच्छा, अब आकर फिर मैं डॉक्टर साहब भी कुछ सोल्यूशंस की तरफ आए, तो एक दो चीज़ें मेरे जहन में भी है। इस तरह के प्लेटफॉर्म से आप रिकमेंडेशन में उसको लिख सकते हैं। ये मैं हर जगह कहता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, कि पोलिटिकल पार्टीज अपने इशूज़ पर तो ए बी सी कहती हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, लेकिन कभी वो एजुकेशन के ऊपर भी बैठ कर करें। हमारी जितनी पॉलिसीज हैं, मैंने उनकी ये लिस्ट बनाई इधर, 47, 59, 70, 72, 79, 92, 98 से 2010, जितनी पॉलिसीज हैं इनकी नाकामी की एक वजह कंसिस्टेंसी नहीं थी, तसलसल नहीं था। एक गवर्नमेंट आती है, बनाती है, दूसरी आकर उसको रिप्लेस कर देती है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का फायदा ये होगा कि आप बैठ कर तय कर लेंगे अगले चार साल ए बी सी जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी हम इसको नीचे एक कंसिस्टेंसी के साथ चलें, एक तसलसल के साथ चलें, तो शायद कुछ हम अचीव कर सकें। दूसरी सर तजवीज़ ये है कि पॉलिसी फॉर्मेशन में स्टेक होल्डर्स को आप जरूर इंक्लूड करें, चाहे वो आप टू बॉटम करें जिस ऊपर करें, लेकिन जितने भी उससे रेलिवेंट लोग हैं उनको आप उनकी फीडबैक लें, उनकी राय लें और फिर पॉलिसी बनाएं। जब मैं ऑक्सफोर्ड में था वहाँ पर एक साहब रिसर्च कर रहे थे कि मस्जिद का रोल है सोशल वर्क में, ये चूँकि सोशल वर्क के डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं। 2005 का जो जल्जला आया था उसमें जिन इलाकों में जल्जला आया था वहाँ के जो मस्जिदें थी उन्होंने बहुत रोल प्ले, उसके ऊपर उनकी रिसर्च थी। तो मेरे जहन में ये आइडिया आया कि जो मस्जिद है ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है नेशनल इंटीग्रेशन के अंदर, अगर मेंबर पर बैठा हुआ शख्स उस खुद को पहले क्वालिफाई किया जाए, उसको एजुकेट किया जाए कि तुमने यहाँ पर मुनाफरत नहीं फैलानी, तुमने नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ लेकर चलना है। तो उसकी हमारी जो आबादी का बड़ा हिस्सा इलिटरेट है, ना खानदा है, अगर वो मस्जिद में बैठे हुए शख्स की बात सुनता है तो फिर उसको वो और तरह से प्रसीव कर। तो अगर हम पहले मरहले में जो मेंबर पर बैठा हुआ शख्स है उसको थोड़ा सा ट्रेन करें तो मस्जिद जो रोल प्ले करेगी वो बहुत ज़बरदस्त रोल होगा। और इस तरह की कुछ और तजवीज़ हैं, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बातें कर ली। और आपका मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया डॉक्टर सोनिया अमर का, उन्होंने मुझे मौका फराहम किया मैं आपसे इंटरेक्ट हो सकूँ और आपके इस सेमिनार के प्लेटफॉर्म से अपनी बातें साथ। थैंक यू।